परेशान नहीं हो बेटा। कैसे नहीं होगा अम्मी, बाबा की हालत देखी थी आपने, कितना कुछ कह गए वो। आखिर वो सब क्या था अम्मी? उनको बस एक वही वाला हादसा याद है। वैसे एक के बाद एक और कई हादसे हो चुके हैं हमारी जिंदगी में अब तक। इतना क्यों परेशान हो रहे हो तुम? क्या मतलब है आपका परेशान ना होना? बहुत डर गया हूं मैं अम्मी। साफ दिख रही है जोहरा की जलन, ये अलग बात है कि आप कुछ भी नहीं कहती। मेरे जज्बात तब के मर चुके हैं और मैं भी। लेकिन अम्मी, अली मुझे देखो, मैं किसी जिंदा लाश से कम नहीं। अम्मी, कोई और औरत होती तो इस मेंशन को कब का तबाह कर चुकी होती। और वो औरत अभी दादा के साथ है। जाओ, जाकर आराम करो बेटा। चलो जाओ। ठीक तो है ना? ठीक हूं मैं। अभी आता हूं मैं। फिकरत साहब कमरे से बाहर गए हैं। चलें, आप भी तैयार हो जाएं। देखो मेरी तरफ। नहीं देखूंगी। तुम मेरी तरफ क्यों नहीं देख रही हो जोहरा? क्योंकि तुम्हारी आंखों में आग देखकर मुझे बहुत दुख होता है, और मुझे तुम्हें देखकर सुकून मिलता है। बहुत शिद्दत है इस आग में। जला देगी अगर तुम मुझे छोड़कर कहीं गई सोहरा। सईद, ये नहीं हो सकता। कोई रास्ता नहीं है, हमारा साथ बस यहीं तक था। फिकरत कर अकाया के पास तुम नहीं जाओगे।
सहित। मैंने कहा तुम नहीं जाओगे, सुन लिया? नहीं जाऊंगी मैं। जोहरा साहिबा, आ जाए, तैयार हो जाए आप। जोहरा साहिबा, चले आ जाए, तैयार होना है आपने। बहुत प्यारी हैं आप, अल्लाह करे नसीब भी आपका बहुत अच्छा हो। आमीन। कुछ और तो नहीं चाहिए आपको? जा सकती हो। शब बख़ैर। आओ बैठ जाओ।
मैं घर का सरबरा हूं, इस घर का कर्ता धर्ता मैं ही हूं जोरा। मैं फिकरत करा किया हूं, फिकरत करा किया। इस वक्त इस घर का हर फर्द हमारे ही बारे में सोच रहा है। हर शख्स को बहुत हैरत होगी अगर मैं कमरे से चला जाऊं। और माशरे के उसूलों के मुताबिक तुम अभी मेरे निकाह में हो, अगर मैं चला गया तो लोग क्या सोचेंगे। और मैं अच्छी तरह समझ रहा हूं तुम्हारी परेशानी। जाकिर ने जो कुछ भी किया है उससे सब परेशान है, लेकिन तुम परेशान मत हो जोरा, मैं सब संभाल लूंगा। क्या मेरा भी कत्ल होगा? अंदर जाना फजूल है सईद, बंद करने का वक्त है। सईद तुम यहां?
क्या तुम एक बोतल दे सकते हो मुझे? सब खैरियत तो है? बंद करने का वक्त हो गया है सईद। तो ठीक है, कर दो ना बंद। सईद के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता था? जवाब चाहिए मुझे। मैं समझ रही हूं जो आप पूछना चाह रहे हैं। शायद गलत नहीं होगा। हर शख्स ही यही सोचेगा ज़ोरा, क्योंकि मेरे उससे कोई ताल्लुक होता आपके निकाह में होते हुए तो आप मुझे मार देते। हाँ, ये सच है ज़ोरा। लेकिन मैं आपकी बीवी थी जब यहां से भागी। सईद के साथ मेरा कोई गलत रिश्ता नहीं, फिर भी आप मुझे मार देंगे। और अगर आप मुझसे ये कहें कि आपको लोगों की परवाह नहीं और आप मुझे बीवी का दर्जा दें, तब भी मुझे आपसे किसी सूरत प्यार नहीं होगा। मोहब्बतें इस तरह नहीं होती, बस हो जाती हैं। क्या तुम सईद से प्यार करती हो? क्या फर्क पड़ता है, हम सब ऐसे ही हालात से गुजर रहे हैं फिकरत साहब। अपने साथ, मेरे साथ या किसी के भी साथ आप जो चाहें कर सकते हैं। सही कहा तुमने, इसमें जाकिर भी शामिल है। आपने सुना जो उन्होंने कहा? अम्मी कहा मुझे, अपनी सगी अम्मी के बारे में भी न जाने क्या कुछ कहा। बस उसकी बात पर ध्यान मत दो, वो नशे में बकवास कर रहा था। लेकिन वो मुस्तकिल एक ही बात कहे जा रहे थे बार बार। तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक नहीं? तो मेरा ताल्लुक नहीं उससे, जब मेरा वास्ता ही नहीं तो फिर कुछ भी करें आप, क्या फर्क पड़ता है। Thank you.
जाकिर साहब ने कल पूरा मूड खराब कर दिया। आज देखते हैं कि क्या करते हैं वो। पता नहीं उन्हें याद है भी कि नहीं। सब कुछ ना सही, थोड़ा तो याद होगा ही। तुम क्यों हंस रही हो? अम्मी, जाकिर पागल लग रहा था बिल्कुल जब जोहरा को अम्मी कह रहा था। हाँ सही कह रही हो। हालांकि जोहरा तो उम्र में बहुत छोटी है उनसे। सेलान, तुम बहुत ज्यादा नहीं बोल रही, चलो काम करो अपना। फिक्र साहब कर क्या रहे हैं आखिर, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अरे तुम्हें क्या फिक्र है? मतलब मुझे तो कोई भी फिक्र नहीं, लेकिन पता तो चले ना। क्या आप नहीं सोच रही? सच कहूँ तो मैं ये सोच रही हूँ सेलान, फिकरत साहब और जोहरा एक कमरे में हैं। अब पता नहीं वो जनाजा गाह है या दुल्हन का कमरा। क्या बोल रही है अम्मी, अल्लाह माफ करे। गुड मॉर्निंग सिरमा साहिबा। गुड मॉर्निंग। हमें बताइए कि जाकिर साहब को उनके कमरे में लेकर जाएं या नहीं। मतलब आप जैसा कहेंगी हम वैसा ही करेंगे, तो बताइए क्या करना है हमें। अगर वो कहते हैं तो यहीं रहने दें। जैसा आप कहें मैडम। शायद कोई उठ गया है, मैं जाके देखती हूँ। गुड मॉर्निंग सिरमा साहिबा। गुड मॉर्निंग सेलान। कुछ लाऊं आपके लिए? कॉफी पीना चाहती हूँ मैं। अभी लाई। सेलान, सब लोग उठ गए क्या? नहीं अभी तक तो कोई नहीं उठा। ठीक है। सिरमा साहिबा ने कॉफी मांगी है अम्मी, जल्दी से बनाओ। अल्लाह अम्मी, पता नहीं क्या हुआ होगा। पागल लड़की। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम सोए नहीं क्यों? नींद नहीं आई मुझे, पूरी रात यहां वहां घूमता रहा। आप सोई थी क्या? थोड़ा सा। बाबा कहाँ हैं? वहीं गार्डन में सो रहे हैं। दादा और जोहरा? मुझे नहीं पता कुछ। आपके मुताबिक ये सही है या नहीं? मालूम नहीं। आपकी कॉफी सिरमा साहिबा। बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग अली साहब। हाँ गुड मॉर्निंग। कुछ लाऊं आपके लिए? नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं जरा फ्रेश हो जाऊं। अली साहब उठ गए हैं, लेकिन लग रहा है कि पूरी रात से सोए नहीं है। अम्मी, अभी तक फिकरत साहब और जोहरा की कोई खबर नहीं आई। मुझे बहुत हैरत है, कहीं मार तो नहीं दिया जोहरा को? अरे नहीं नहीं गलत मत सोचो।
दूल्हा दुल्हन नजर नहीं आ रहा। क्यों? अब क्या हो गया है तुम्हें? कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही पूछ रहा हूं बस। सुबह से कोई खबर नहीं मिली, शायद खामोशी से मार दिया उसे। अगर वाकई ऐसा हुआ है जो मैं कह रहा हूं, अगली बारी मेरी है, क्योंकि पहले भी ऐसा ही कुछ होता रहा है, कुछ नया नहीं कहा मैंने। और अगर अपनी बीवी के साथ कमरे से बाहर आए तो तुम्हें ना चाहते हुए भी उसे मां मानना पड़ेगा, लेकिन रात की तरह अम्मी अम्मी मत चीखना, समझे? अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं उसे मां पुकारूंगा तो शायद अभी तक तुमने जाकिर को पहचाना ही नहीं। कहाँ हो तुम सही? कल रात से तुम्हें इतनी कॉल कर रहे हैं, तुम उठा क्यों नहीं रहे? कितने परेशान हो मैं, ठीक तो हो ना तुम? ठीक हूँ, ठीक हूँ मम्मी। मैं बस काम पर था, इसलिए देर होगी, मैं आ रहा हूँ रास्ते में बस। ठीक है, नाश्ते पे इंतजार कर रहे हैं हम लोग, आ जाओ। आ रहा है। ये तुम्हारे लिए है। जाकिर की तुम पर नजर है। आह जवेरिया, हमें घर में जगह देने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। आधा दिन गुजर चुका है, कहाँ हैं ये लोग? बाबा